आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। बिहार में गंगा नदी के किनारे भूजल के स्तर को लगातार गिरावट होती है, इससे सरकार का एक चिंता का विषय बढ़ गया है। बक्सर में भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे में जल स्तर में 20 से 25 मीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भागलपुर में गंगा के किनारे जल स्तर में 20 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बक्सर से यह आंकड़ा 25 मीटर तक पहुंच गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भूजल दृष्टिकोण से यह दावा किया जा रहा है कि इससे आने वाले समय में परिस्थितियां विकट हो जाएंगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2014 में गंगा के नदी के कछारीय क्षेत्र में मानसून के पहले जल स्तर 1 मीटर से लेकर 11 मीटर तक होता था और मानसून के बाद यह 0.85 मीटर से 9 मीटर तक आ जाता था। अब स्थिति यह हो गई है कि भूजल का स्तर मौजूदा स्तर से 20 मीटर पर चला गया है। गंगा नदी के किनारे के जल स्तर में यह गिरावट दक्षिण बिहार में ज़्यादा देखने को मिल रही है। उत्तर बिहार की स्थिति भी अभी थोड़ी बेहतर नहीं है। उत्तर बिहार में भूजल में लगभग 5 से 6 मीटर की गहराई पर ही मिल जाता है। इसका कारण है कि इस इलाके में पानी का दोहन दक्षिण बिहार के इलाके से कम हुआ है। लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया है कि जल स्तर का गिरना अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और इससे जल स्तर मेंटेन हो जाता है। मगर जानकार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां आने वाले कुछ सालों में बहुत विकट होने वाली हैं और जिस तरह से जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक वार्निंग नेचर की तरफ से है। न्यूज़ बिहार पर बने रहिए, लगातार खबरें अपडेट की जा रही हैं और आप अगर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ये खबरें सबसे तेज़ी से मुफ्त में प्राप्त हो जाया करेंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।